Hello, good morning students. Today we are starting with maths. In maths we are going to do a special way to add by carrying over. ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, eight sticks and four make 12. यहाँ पे बताया कि अगर 8 स्टिक्स है उसमें हमने चार ऐड कर दिए तो वो कितने स्टिक हो जाएंगे, 12. Let us tie 10 of them in a bundle to make 110. अगर हमने उसको एक मतलब ये 12 हो गए स्टिक्स, तो अगर हमें स्प्लिट करना है टेंस और यूनिट में, तो हमने जो 10 है स्टिक्स उसको हमने एक बंडल में बांध दिया तो वो क्या बन जाता है, 110 और टू सिंगल यूनिट्स. ठीक है, तो ये सेपरेशन बता रहा है कि टेंस और यूनिट का सेपरेट कैसे किया जाता है. सेम एज इट विद द नेक्स्ट वन, 7 and 8 make 15. अगर 7 + 8 किया तो 15 हो जाता है. तो हम क्या, अगर हमें सेपरेशन करना है टेंस और यूनिट में, तो हम जो वो 10 है, जो 10 है 1 का है, वो उसको अगर हमने 10 को एक बंडल में बांध दिया तो वो 110 बनता है. तो 110 और फिर सिंगल सिंगल 5 यूनिट बना दो. ठीक है, अब यहाँ पे देखो एडिशन हम करते हैं. 9 + 6 कितना होता है, 15. तो 15 है ना, तो जो वो 110 रहेगा, जो फर्स्ट नंबर रहेगा वो टेंस में जाएगा और 5 सिंगल यूनिट में. 6 + 5 दैट इज 11. 7 + 4 दैट इज 11. अभी हम वो दोनों नंबर सिंगल यूनिट में नहीं लिख सकते, इसलिए हम उसका 8 10 10 साइड में डाल देंगे. ठीक है, वो कैरी ओवर हो जाता है ऑटोमेटिकली. 6 + 6 दैट इज 12. 4 + 9 दैट इज 13. अभी यहाँ पे देखो 2 बॉक्स में करके दिया है. 0 + 6 दैट इज 6. 2 + 1 दैट इज 3. 7 + 0 7. 3 + 1 4. 3 + 0 3. 4 + 1 5. 5 + 0 5. 5 + 1 6. ये नॉर्मल एडिशन था. अभी हम कैरी ओवर देखेंगे. अभी समझो यहाँ पे हमारा टेंस यूनिट का कॉलम है. यहाँ पे टेंस में पहले ही ऑलरेडी एक नंबर है, ठीक है, और यूनिट में 5 है और 9 है. अभी 9 + 5 कितना होता है, 14. तो हमने 14 यहाँ पे लिख दिया, लेकिन हम एक ही कॉलम में दो नंबर नहीं लिख सकते, क्योंकि 1 हमारा क्या है, ये जो 14 में जब हम इसका प्लेस वैल्यू निकालते हैं तो ये जो 4 है हमारा कौन सा साइड पर जाता है, यूनिट साइड पर, और ये जो 1 है हमारा टेन साइड पर. तो हम इस 10 इस जो जो जिसका है 10, हम उसके 10 के कॉलम में डाल देंगे. तो ये 1 टेंस में जाएगा ना, हमने इधर लिखा तो वो गलत है, तो हम इसे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, इस तरह ऊपर वाले कॉलम में डाल देंगे. हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ 4 आएगा और 1 + 1 कितना होता है, 2. ये इस तरह हमें एडिशन करना है. अभी ये देखो 3 + 7 कितना होता है, 3 + 1 2 3 4 5 6 7 कितना होता है, 10. लेकिन 10 कितने डिजिट का नंबर है, 2 1 0. तो हम 0 को यूनिट साइड में लिखेंगे और जो फर्स्ट है 10, जो 1 है वो हम 10 साइड में, ये देखो ये 1 0 हमारा आंसर है. तो ये 0 कौन से प्लेस पे रहता है, यूनिट प्लेस पे, तो वो यूनिट कॉलम में रहेगा. और ये जो 1 है वो 10 प्लेस पे रहता है, तो वो टेंस के कॉलम में चला जाएगा और कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा इस तरह. तो हम इसको एक साथ काउंट करेंगे, 1 2 1 2 3 4. तो कितना हुआ आंसर, 4. ठीक है, सेम एज इट इज, वो भी वही बताया है. हम अभी सॉल्व करते हैं. अभी यहाँ पे देखो बंडल कितना है, ये एक बंडल है, एक बंडल में कितना होता है, 110. तो 1 1 + 2 कितना हुआ, 12. और यहाँ पे कितना है, 2, मतलब 2 टेंस है. टेंस के कॉलम में 2 लिखना है और सिंगल कितने, 1 2 3 4 5 6, मतलब 26 लिखना है हमें. तो हम ऐड कर देंगे, 6 + 2 दैट इज 8. 3 + 1 दैट इज 38. ओके, नाउ ये अभी देखो टेंस के साइड में ऊपर कितना लिखना है, 2, और यूनिट के साइड में 1 2 3 4 5, 25. और यहाँ पे कितना लिखना है, इसके नीचे 1 2 3. टेंस के साइड पे हमें 3 लिखना है और सिंगल में 1 2 3 4 5 6 7, दैट इज 37. हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7 + 5 दैट इज 12. तो 2 कौन से प्लेस पे, यूनिट साइड पे, तो वो यूनिट में ही रहेगा और 1 टेंस के पास कैरी ओवर हो जाएगा. तो 1 2 3 4 5 सॉरी 6
तो आंसर इज 662। सेम एज इट इज हम सब सॉल्व कर देंगे। देखो मैंने यहाँ पे आंसर दे दिया है, आपको बस कॉपी डाउन करना है, ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में। ओके बाय।